जिला परिषद अध्यक्ष त्रिस्तरीय सरकार का होने के चलते विकास से संबंधित सभी प्रकार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस रिपोर्ट यह है, इस लॉकडाउन में सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी मारी फोटो जी जो यहाँ की जिला परिषद अध्यक्ष है, उसके साथ ही पूरे झारखंड से आए हुए भिन्न भिन्न जिलों से माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं सारे जनप्रतिनिधिगण, इस लोकतंत्र के भिन्न भिन्न पंचायत से आए हुए हमारे प्रमुखगण, उपाध्यक्षगण, एवं मुख्यागण, वार्ड मेंबर्स, सारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, सबको हमारी ओर से बहुत बहुत जोहार, सार्थक की जोहार। इतने देर से मैं सोच रही थी और मुझे यह आभास हो रहा था माननीय बाली मुर्मू जी के बारे में, ये सोचकर कि हमने तो सिर्फ सुना लेकिन महसूस और आभास जो उनको हो रहा है, जो अपमान ये हो रही है, ये वही जाती है। 6 महीने गुजर गए, आज तक इनको एक गाड़ी नहीं, एक अंगरक्षक नहीं, ना किसी तरह की बोर्ड की बैठक हो रही है, ना किसी तरह की इसको इनको सुनवाई हो रही है। बहुत मांग और मेहनत के बल पर हम लोगों ने मंत्री जी के यहाँ से अपने लिए अंगरक्षक को उपलब्ध कराया, अपने लिए गाड़ी उपलब्ध कराई, लेकिन इनको अभी तक उसका कोई कभी तक नहीं मिला है। समझ में ये कितने अपमानित महसूस कर रही है और उसी अपमानित या इनके जो ज्वाला जो भर रही है, ज्वाला जो इसके कलेजे से कई जब चिंगारी जब के बाहर निकली है, ये चिंगारी अब पूरे झारखंड में फैलने वाली है। मैं सारे जनप्रतिनिधियों से मैं आज की बैठक के लिए सबको धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने इनके साथ आ करके इनको मजबूत किया है और इनके दुख में साथ दे करके इस चिंगारी को आग में हम प्रज्वलित करेंगे और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये जब जनप्रतिनिधि चुनाव हुआ था, आधी आबादी दफ्तर थे, महिलाओं को चूल्हा चक्का से बाहर निकाला, एक अधिकार का सपना दिखाया और ये अधिकार आप देख रहे हैं क्या मिला है आपको और हमको क्या मिला है। हम एक गुलदस्ता बन करके कुर्सी पर बैठे हैं, आप समझ लीजिए गुलदस्ता बन के कुर्सी पर बैठे हैं और मुझे क्या मिलता है, एक कैंची मिलता है और एक निमंत्रण पत्र मिलता है और जाकर के उसने कैंची को लेकर के 1 लाख पिता को काटते हैं, उनकी भाषण देकर के ताली बजा देता है, बस उतने पर हमारी सरकार होती है, फिर आकर के अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं कि नहीं। आप लोग समझ लीजिए इस तरह की बात हो रही है कि नहीं। हाँ सही बात है, ये कि मेरा अधिकार नहीं मिला है आज का, मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरा भी दोबारा अध्यक्ष पद पर मैं चुने गई हूँ। 5 साल 6 साल हुआ, मैं 6 सालों में मुझे जो अपमानित सहना पड़ा है वो मैं जानती हूँ। आज तक हमने ना एक फाइल में एक कागज में सिग्नेचर किया है, ना मेरे पास एक चाकू देने का पावर है, ना मेरे पास एक कुआं देने का पावर है, ना एक शौचालय देने का पावर है, कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं। अब ये
अपमान मैं नहीं, आप लोग भी भोग रहे हैं और भुगतिएगा। और ये अधिकार हमको ये देने वाले नहीं है, ये गोल के साथ ही प्रशासन पर जाता है और इधर अफसर साहिब पर जाती है और किसी में हम लोग को 5 साल गुजार देगा। हम बताते हैं आप लोग को, इसके लिए हमको लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ करके अगले हम रणनीति बनाएंगे, रणनीति के नाम लड़ाई। अगर वहां पर हमको लड़ाई हमको अधिकार नहीं मिलती है तो न्यायालय खुला है, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर के पूरे मुझे पूरा विश्वास है कि हमको अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये मेरा आपका घर का अधिकार नहीं है। संविधान ने दिया है हमको अधिकार, संविधान ने दिया है हमको अधिकार, ये आपके अधिकार है, हमारे अधिकार है। पंचायत चुनाव को प्रमुख को दिया है, मुखिया को दिया है, जिला परिषद को दिया है, हमारी शक्ति है, हमको शक्तियां दी गई है, ये शक्तियां अवरोध किया गया है, उसको आगे हमको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आज आप जितने भी आए हैं, जहां से भी आए हैं, पूरे ये आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों का लड़ाई है, जनता का लड़ाई है। आज आप मुखिया है, कल प्रमुख बन सकते हैं, आप इसके बाद जिला परिषद बन सकते हैं। आज सिर्फ आज चुनाव लड़के आए हैं, आपको छोड़कर के बहुत सारे अभी लोग बाकी हैं जो लड़ेंगे लड़ाई, और उनकी लड़ाई में अगर आज हम अधिकार उनको दिलाते हैं तो समझ लीजिए हमने झारखंड को जीत लिया है। जनप्रतिनिधि का सरकार है, हमारे गांव की सरकार है। अगर आज की लड़ाई हम मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाले पीढ़ी कभी इस चीज को लड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि आज हमारी 3 बार जनप्रतिनिधि बन के लड़े हैं, तीनों बार ये इस तरह का आंदोलन हुआ है, लेकिन ये तीसरा बार हमारा पहला आंदोलन हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का हाथ चाहिए। हमारी मुर्मू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने चिंगारी जलाई है, अब उस चिंगारी में आप आगे बढ़े। अब आगे तो लड़ाई लड़ेंगे और रांची में लड़ेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जितने हमारे अफसर साहब है उसको हम तोड़ के रखेंगे। आप लोग से बहुत आशा है और उम्मीद है, हमने आप लोगों ने हमको ये चुन करके ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं यहाँ से कम 300-350 किलोमीटर से मैं चल के आई हूँ, सिर्फ अपने ये जो जिम्मेदारी आपने हमको दी है उसको निभाने के लिए। आप भी अपने जिम्मेदारी जो जनता ने आपको दी है उसको निभाए और आगे बढ़े। और मैं क्या बोले इन सबों के साथ आज हमने तमाम आतंक को समाप्त कर दिया हूँ। जय झारखंड, जय प्रतिनिधि आंदोलन, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।